BS4 का वीडियो हम बना रहे हैं और BS4 का जो क्लच प्लेट का काम निकला है उस बारे में आप पूरी जानकारी दे रहे हैं। इंजन में फ्लैश करना है, पूरी तरह से ये बॉटल खाली करनी है। मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? तो आज मैं आया हूँ फिर से एक न्यू वीडियो लेके अपने ऑटो ड्राइवर भाइयों के लिए और दोस्तों के लिए। बताना चाहूंगा दोस्तों कि आज इंजन ऑयल अपने गाड़ी में कैसे चेंज करना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये कैस्ट्रोल का फुल्ली सिंथेटिक ऑयल यूज करते हैं, इसके अंदर हमें दो फ्लैशर मिल जाते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? तो आज मैं आया हूँ फिर से एक न्यू वीडियो लेके अपने ऑटो ड्राइवर भाइयों के लिए और दोस्तों के लिए। बताना चाहूँगा दोस्तों कि आज इंजन ऑयल अपने गाड़ी में कैसे चेंज करना है, इस बारे में पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो हम दिवाकर भाई के गैरेज में आए हैं और यहाँ पे अपनी जो सुंदरी है उसको लगा लिए है और पूरी तरह से अपना जो इंजन ऑयल है वो चेंज करना है और अपनी जो क्लच प्लेट है वो जलने के कारण अपना जो ऑयल है वो पूरा गाढ़ा हो चुका है। क्या तरीका है, कैसे चेंज करना है, उस बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि क्या है, हम जब इंजन ऑयल अपने गाड़ी में लगाते हैं तो उसमें दो चीज़ होती है, एक तो क्लच प्लेट जलने के कारण अपना जो इंजन ऑयल है वो काला पड़ गया है। अभी काला पड़ने के बाद आपको क्या करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ आज के ब्लॉग के माध्यम से। उसमें एक फ्लैशर आता है जो इंजन को क्लीन करता है। फ्लैशर तो हमने लेके आया है और वो फ्लैशर हम लगाएंगे अपने ऑटो में, क्योंकि अपना क्लच प्लेट भी जल गया है, उसके चलते अपने को पिकअप में थोड़ा इश्यू हो रहा है। गाड़ी चलाते समय 2 या 3 सीट अपने ऑटो में बैठ जाती है तो अपनी गाड़ी जो है चढ़ान पे चढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है और गाड़ी का जो ऐसा लगता है कि इंजन के अंदर कुछ तो अटक रहा है या फिर घर्षण हो रहा है कि गाड़ी एकदम जाम चलने लगती है। तो उस तरीके से अपने सुंदरी के अंदर आज का काम निकला है क्लच प्लेट का। चलिए दोस्तों, जो फ्लैशर लेके आए हो वो फ्लैशर अभी हमारे ऑटो में लगाएंगे। तो हम ये कैस्ट्रोल का फुल्ली सिंथेटिक ऑयल यूज़ करते हैं, इसके अंदर हमें दो फ्लैशर मिल जाते हैं। ये फ्लैशर है और ये फ्लैशर हम अपने ऑटो में अभी लगाने वाले हैं। तो ये अपनी गाड़ी है और इसका जो कैप है ऊपर वाला, ये कैप खोलना है आपको। ये कैप खोलने के बाद यहाँ पे अपने को फ्लैशर की बॉटल लगानी है, तो मैं बताऊंगा अपने ऑटो ड्राइवर भाइयों को। दोस्तों आप देख सकते हो अभी हमने ये बॉटल तोड़ दी है और इसे हम अपने इंजन में फ्लैश करने वाले हैं और थोड़ी 2-3 किलोमीटर अपनी ऑटो रिक्शा चलाएंगे और उसके बाद में ये जो अपने इंजन के अंदर अभी क्लच प्लेट गई है इसीलिए हम दो बॉटल यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ऑयल चेंज करते हो तो एक ही बॉटल यूज़ करिए और एक बॉटल से आपका इंजन पूरी तरह से क्लीन हो सकता है। तो ये एक बॉटल है, ये यहाँ से अपने को अपने इंजन में लगाना है। देखो इस तरीके से आप ये ऑयल बॉटल पूरी खाली कर दो अपने इंजन के अंदर। तो ये अपना पोस्ट ऑफ BS4 का वीडियो हम बना रहे हैं और BS4 का जो क्लच प्लेट का काम निकला है उस बारे में आप पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो एक बॉटल हमने पूरी तरह से खाली कर लिया है और ये दूसरी बॉटल हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। ये दूसरी बॉटल है, ये भी अपने को अच्छी तरह से अपने इंजन में फ्लैश करना है, पूरी तरह से ये बॉटल खाली करनी है। तो यहाँ पे अभी हमने ये दूसरी बॉटल भी खाली करना शुरू कर दिया है और ये बॉटल खाली करने के बाद हम इस ऑयल जो है अपने गाड़ी का जो क्लच प्लेट जला है वो पूरी तरह से क्लीन होने वाला है। तो अभी यहाँ पे दूसरी बॉटल भी हमने खाली कर दी है और इसको कैप लगा के हम 2-3 किलोमीटर गाड़ी चलाएँगे और इंजन जो अपना पूरी तरह से क्लीन होने वाला है। दोस्तों अपनी सुंदरी यहाँ लगी है और अभी इसका जो ऑयल है और क्लच प्लेट गया है तो ये सब हम चेंज करने वाले हैं। तो दोस्तों गैरेज में आए हैं और ये भाई लोग अभी आए हैं, बहुत देर लगा, मैं सुबह 8 बजे से यहाँ पे आके बैठा हूँ लेकिन अपने धर्मू भाई तो आ गए थे और अपनी गाड़ी जो है यहाँ पे खड़ी है। अभी इसका थोड़ा गाड़ी ठंडा होएगा, उसके बाद में हम ऑयल व्हील निकालने वाले हैं और ऑयल निकालने के बाद इसमें क्लच प्लेट है वो फिटिंग करने वाले। तो यहाँ पे अपना इंजन ऑयल खोलने का काम शुरू है, तो पहले खोल लेते हैं भाई। तो दोस्तों देखो क्लच प्लेट जाने के बाद में ये जो अपना ऑयल है देखो पूरी तरह से गाढ़ा हो चुका है और बहुत ही ख़राब हो चुका है, इसीलिए हमने फ्लैशर लगाए थे। फ्लैशर लगाने के बाद अपने इंजन के अंदर की पूरी गंदगी है वो बाहर आ गई है। अभी ये ऑयल गिरने का काम शुरू है, ऑयल गिरने के बाद में हम क्लच प्लेट जहाँ पे खोलना है उसका आधा इंजन ये साइड से खुल जाता है और ये साइड से इंजन खोलने के बाद यहाँ क्लच प्लेट लगता है। तो क्लच प्लेट का ये खोलने के बाद अंदर इंजन कितना क्लीन है फ्लैशर लगाने के बाद वो भी हम दिखाएंगे। यहाँ पे अपनी गाड़ी उठा लिए है और क्लच प्लेट खोलने का काम शुरू है। ऑयल जो है वो ऑयल देखो डब्बे में अभी गिरा है पूरा और पूरा ऑयल जो है एकदम काला पड़ गया है और फ्लैशर लगाने से पूरे इंजन के अंदर की गंदगी निकल गई है और यह अपना साइड इंजन खुलने का काम शुरू है। देख सकते हो अपनी क्लच प्लेट पूरी गई है और अपने जो फ्लैशर लगाया था फ्लैशर के कारण देखो कितना क्लीन हो गया है पूरा इंजन अंदर से और ये देख सकते हो पूरा क्लीन हो चुका है। जो फ्लैशर लगाए थे फ्लैशर की वजह से पूरा इंजन अंदर से क्लीन हो चुका है। ब्लैक ऑयल अपना बना निकल चुका है डब्बे का, वो भी देख सकते हो इतना ब्लैक ऑयल अपने।
क्लच प्लेट खुल चुका है सेट। अभी इसके अंदर से अपना क्लच प्लेट बाहर निकालने का काम शुरू है। गर्म था अपना, तो देखो ये क्लच प्लेट का भी बॉक्स बहुत गर्म लग रहा है, थोड़ा ठंडा होने देंगे। ओ भाई आए, इनका गाड़ी का काम निकला है, क्लच प्लेट हो गई है फेल और भाई आ गए गाड़ी बनाने के लिए दिवाकर भाई के गैरेज में। पूरा नया बार के लाएंगे। हाँ कैस्ट्रॉल का ऑयल यूज करते हैं। ये देखिए, ये ऑनलाइन मंगा लिया था मैंने और ये कैस्ट्रॉल का ऑयल जो है अपने ऑटो में लगाने वाले हैं। तो ऑयल गाड़ी में लगा लिया है और यहाँ पे हम लेवल चेक करने वाले हैं। भाई जबरदस्त ये ऑयल है, लेवल देखने में भी बहुत दिक्कत होती है, मालूम नहीं पड़ता है कहाँ पे लेवल है और कहाँ पे नहीं है, तो इसको अच्छे से अपने को चेक करना है और लेवल जो है अपनी वो ठीक ठाक। तो दोस्तों यहाँ पे अपना पूरा काम हो चुका है, ऑयल वगैरह इंजन में लगा लिया है और गाड़ी अभी स्टार्ट करते हैं। तो दिवाकर सेठ अभी ट्रायल ले रहे हैं अपने गाड़ी का और इसका जो ऑयल व्हील था वो चेंज हो चुका है, गाड़ी का पूरा काम होके रेडी हो चुकी है। इसका एवरेज सेटिंग करना पड़ेगा, क्लच सेटिंग का काम शुरू है और क्लच सेटिंग होने के बाद दिवाकर भाई अभी ट्रायल लेने वाले हैं। ट्रायल लेने के बाद भाई गाड़ी देखने वाले कि इसका जो एवरेज है, एवरेज सेटिंग करना पड़ेगा। तो दिवाकर भाई गाड़ी निकली है बाहर। अपने गाड़ी का ट्रायल ले रहे हैं क्योंकि क्या हो गया कि अपने गाड़ी का जो क्लच प्लेट है वो पूरा खराब हो चुका था। क्लच भाई अपने गाड़ी का ट्रायल ले रहे हैं। दिवाकर भाई क्या कहना चाहते हो अपने भाई लोगों को? हाँ अभी डाल दिए क्लच प्लेट, तो डाल दिए गाड़ी के, ऑयल चेंज कर दिए, गाड़ी एकदम टनाटन हो गई अभी। तो क्या क्या काम हुआ है अपने गाड़ी में? अपने गाड़ी में काम क्लच प्लेट का पूरा असेंबली डाल दिए हैं और बाकी इंजन ऑयल टकाटक कर दिए, नया डाल दिए हैं। कैस्ट्रॉल का डाल लिए, बढ़िया है, सिंथेटिक, फुल्ली सिंथेटिक ऑयल अपने गाड़ी में गिर चुका है। और दिवाकर भाई अपने गाड़ी का ट्रायल ले रहे हैं, हम ट्रायल के लिए आए हैं यहाँ पे और बढ़िया तरीके से काम हो चुका है अपने गाड़ी में और कम से कम 7-8 महीना तक हमारी गाड़ी का जो क्लच प्लेट है वो खुला नहीं था और आज हमने आखिर में आके गैरेज में अपना क्लच प्लेट खोल दिया है और पूरा काम हो चुका है। तो दोस्तों को कहना चाहूँगा कि दिवाकर भाई के गैरेज में आप आओगे तो आपके गाड़ी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाला है क्योंकि दिवाकर भाई जैसे मैकेनिक बहुत कम मिलते हैं। तो दिवाकर भाई के साथ में अभी अपने गाड़ी का ट्रायल हो रहा है और पूरी तरह से काम हो चुका है, क्लच प्लेट से लेके प्रेशर प्लेट से लेके असेंबली पूरा हमने नया डाला है क्योंकि हमने 3 बार उसको घस लिया था और घसने के बाद आज हमने उसको घसने की बारी नहीं आनी पड़ेगी, इसके लिए हमने वो चीज़ है वो पूरा नया डाल दिया। असेंबली जो था अपना क्लच प्लेट का वो पूरा नया बना दिया है और क्लच प्लेट नया डाला है। अपनी जो गाड़ी है उसमें हम फुल्ली सिंथेटिक ऑयल यूज़ करते हैं कैस्ट्रॉल का, इसीलिए हमारी जो गाड़ी है वो काम देने के टाइम पे थोड़ी दिखती है कि अभी जैसे कि हमारे क्लच प्लेट का काम निकला था लेकिन क्लच प्लेट का काम निकलने के बावजूद हमने वो गाड़ी 1 महीना ऐसे ही चलाए वही क्लच प्लेट पे क्योंकि गाड़ी इतनी तकलीफ़ नहीं दे रही थी, ऑयल अच्छा होने की वजह से अपनी गाड़ी तकलीफ़ नहीं दे रही थी, इसीलिए हमने आज आकर दिवाकर भाई फ्री थे और हमने सुबह 8 बजे यहाँ पे एंट्री मारी थी गैरेज पे और यहाँ पे आके हमने पूरी तरह से अपने गाड़ी का काम कर लिया है। अभी दिवाकर भाई ट्रायल ले रहे हैं, ट्रायल लेने के बाद दिवाकर भाई अपना गाड़ी का एवरेज सेटिंग करेंगे। तो ये गाड़ी का अभी सेटिंग कर रहे हैं दिवाकर भाई और सेटिंग जो इनका लगाने के लिए लोग लंबे से आ जाते हैं कल्याण डोंबिवली अंबरनाथ बदलापुर से अपनी गाड़ी का सेटिंग कराने के लिए, यहाँ पे लाइन लग जाती है। तो दिवाकर भाई है जो अच्छे से अपने गाड़ी में सेटिंग करते हैं। देखो यहाँ पे जो अपना एयर किन्नर है जहाँ से एयर लेते हैं वहाँ पे एक हाथ लगाते और एक हाथ अपना सेटिंग की तरफ लगाते और इसका टाइमिंग वगैरह पूरा मैच कर लेते हैं, रेस कर लेते हैं गाड़ी में, रेस करके अच्छे से टाइमिंग मैच करते।
दोस्तों ये थे दिवाकर भाई और इनके गैरेज में अभी अपनी सुंदरी का पूरा काम हो चुका है। हमने कैस्ट्रॉल का ऑयल लगाया है और अपनी जो गाड़ी है सुंदरी यहाँ पे खड़ी है और इसमें जो है हमने फुल्ली सेंसिटिव कैस्ट्रॉल का ऑयल यूज़ किया है और क्लच प्लेट अपना जो फेल हो गया था वो क्लच प्लेट भी पूरी तरह बना लिया है, ठीक ठाक कर लिया है। और यहाँ से हम निकलते हैं अभी घर की ओर, क्योंकि क्या है गैरेज में आज अपना पूरा दिन चला गया है और गैरेज में अपना काम भी हो चुका है गाड़ी का। तो अपने दोस्तों को कहना चाहूँगा, अब तक जो ऑटो ड्राइवर भाइयों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटा सा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं भाइयों अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।